सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को 2 महीने हो चुके हैं। 23 जून को इस कपल ने धूमधाम से शादी की थी। लगभग 7 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया था। उससे पहले सोनाक्षी और जहीर लिव इन में भी थे, तो अब इनको लेकर शत्रुघ्न ने दे दिया एक चौंकाने वाला बयान। जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी, काफी बवाल मचा था। दरअसल इस शादी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ी थी। जैसे कि सोनाक्षी के भाइयों को इनकी शादी से प्रॉब्लम थी, वही ये बात भी सामने आई थी कि पापा शत्रुघ्न सिन्हा बेटी से नाराज थे, शादी में शामिल नहीं होना चाहते थे। माँ ने भाइयों ने सोनाक्षी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था। तो वहीं अब बेटी की शादी के 2 महीने के बाद पापा शत्रुघ्न ने बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी सोनाक्षी और जहीर इकबाल को बताया मेड फॉर ईच अदर कपल। शत्रुघ्न ने कहा है कि ये शादी का मामला है, दूसरी बात अगर बच्चों ने शादी कर ली है तो ये गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने हमारी मर्जी से शादी की, हमारे आशीर्वाद से ऐसा हुआ है, इसकी सराहना करता हूँ। साथ ही शत्रुघ्न ने कहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए खड़ा नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा। आगे एक्टर ने कहा है कि मेरी पत्नी पूनम और मैं शादी में गए और खूब मजे किए थे, ये बेहद खुशी का पल था और माता पिता के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो दोनों मेड फॉर ईच अदर जोड़ी हैं, हम दोनों के लिए बेहद खुश हैं। तो देखा आपने, शत्रुघ्न सिन्हा ने सब कुछ साफ कर दिया कि वो इनकी शादी से कितने खुश हैं। साथ ही ये दोनों भी अपने हर पल को काफी इंजॉय कर रहे हैं। आए दिन सोनाक्षी और जहीर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं, तो इससे इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ का पता चल ही रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को एज ए लाइफ पार्टनर कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो सारी अफवाहों पर अब विराम लग चुका। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।